एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन टुडेस क्लास ऑफ एनवायरनमेंट। ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 69। इट इज ट्रू द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द किचन प्रोवाइड टेस्ट, फ्लेवर एंड एरोमा टू अवर फूड। दे आर नोन एज एपेटाइट एंड हेल्थ स्टिम्युलेंट। जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी मसाले किचन में होते हैं, उसमें से हमें टेस्ट, फ्लेवर और अरोमा हमारे फूड में मिलती है, और ये सभी इंग्रेडिएंट्स एपेटाइट और हेल्थ स्टिम्युलेंट के नाम से जाने जाते हैं। रीड। गिवन इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द किचन। सर्कल द प्रोडक्ट यू नो, get the information of the unknown ones and fill in the empty boxes. In this table, some ingredients names are given, some boxes are empty. इसमें से आपको empty boxes में जिस मसालों के नाम नहीं लिखे गए हैं उसके names लिखने हैं, और इनमें से जिनको आप जानते हो उसके ऊपर circle करना है। I know each and every spices, so I have not put circle here, but you have to put circle. Jaggery, sugar cubes, sugar, salt. Right here, fenugreek, sesame. Then, beans, coriander, chili, dry coriander, tamarind, kokum, ginger, ग्राम फ्लोर, टर्मरिक, बे लीफ, ब्लैक पेपर, अजमा, सिनामोन, क्लॉव, कार्डामम, एसाफोटिडा, ड्राई जिंजर पाउडर, क्यूमिन, मेंथा, करी लीव्स, गार्लिक, मैंगो पाउडर, मस्टर्ड एंड लेमन। सो यू फिल अप द एम्प्टी बॉक्सेस एंड पुट सर्कल ऑन द प्रोडक्ट विच यू नो। राइट, विच टेस्ट आर लाइक्ड बाय यू। आपको कौन से टेस्ट पसंद है ये यहाँ पर लिखना है। आई हैव रिटन शॉर्ट, स्वीट एंड स्पाइसी बिकॉज आई लाइक दिस टेस्ट। राइट दिस बाय योर सेल्फ। देन विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कौन सी डिशेज खाते हो। I eat raw mango as salt taste, dessert as sweet taste and fried chili as spicy taste. You can write according to your taste. It is true, excess of taste and aroma in the food is harmful for health. Food के अंदर बहुत ज़्यादा taste और बहुत ज़्यादा aroma से हमारी body में हार्म पैदा हो सकता है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ड्यू टू दिस देर इज रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। और ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा अरोमा की वजह से हार्ट अटैक और डायबिटीज के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आवर कंट्री, प्रॉपर यूज ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेड। हमारी कंट्री में सीजन के हिसाब से लोग सही तरह का टेस्ट और स्पाइसेस जो लेते हैं वो लेते रहना चाहिए। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 70। राइट, आस्क योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ किचन और स्पाइसेस यूज्ड एज प्राइमरी क्योर फॉर डिसीजेस। आपको अपने एल्डर्स से पूछना है कि किचन में से कौन से स्पाइसेस यूज करने से हम डिजीज के लिए प्राइमरी क्योर कर सकते हैं। इन दिस टेबल वी हैव टू राइट, वन नंबर एग्जांपल इज गिवन, डिजीज स्नीजिंग एंड कोल्ड। जब स्नीजिंग एंड कोल्ड हो जाती है तो क्या यूज किया जाता है। एड टर्मरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर इन हॉट मिल्क एंड ड्रिंक, गार्गल विथ सॉल्टी वाटर।
जब कोल्ड और स्नीजिंग हो जाता है तो हमें गरम गरम दूध के अंदर हल्दी और अदरक का पाउडर डालकर पीना चाहिए और सॉल्टी वाटर से गार्गलिंग भी करना चाहिए। टूथेक, अप्लाई क्लव ऑयल और प्लेस रोस्टेड क्लव पाउडर ओवर द टीथ, फिल इट विथ कैम्फर डिप्ड इन कैस्टर ऑयल। स्टमक पेन और इनडाइजेशन, टेक कैरम सीड विथ वाटर, एसाफोर्टिडा इज सोक्ड इन वाटर एंड ड्रिंक, इट इज हेल्पफुल फॉर स्टमक पेन और इनडाइजेशन। लेग स्प्रेन और स्वेलिंग, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक एंड सॉल्ट एंड अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरिया। When blood pressure falls, drink syrup made by mixing sugar, salt and lemon juice. More than this, you have to ask to your elders and you can write it by yourself. Think and say, which spices from kitchen are used to cure diseases? Turmeric. Cold and sneezing. Turmeric is used for cold and sneezing. Carom seed. Used for stomach pain, and clove is used for toothache. Based on this, we can know about acid, base and salts. We will learn about them in detail in higher standards. जो अलग अलग टेस्ट है उससे हमें एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में आगे जानने को मिलेगा, ये हम आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। It is true. Definitely there is effect of food on our health, but food is also affected by the thoughts in the mind of one who is preparing or serving it. So prepare and eat food with calm mind and good thoughts. हम जो भी फूड खाते हैं उसकी सीधी इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर जाती है, लेकिन खाना हमारे माइंड के विचारों से भी डिपेंड है जो हमें सर्व किया जाता है। इसीलिए खाना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठंडे दिमाग से और अच्छे विचारों के साथ खाना बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। सो आवर हेल्थ विल बी गुड। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।